हेलो फ्रेंड्स, पाइलाइस में आपका स्वागत है। और आज मैं एक और नया मुद्दा लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा मुद्दा है मिशन मंगलयान। तो आइए देखते हैं कि मिशन मंगलयान चर्चा में क्यों रहा। तो अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत ने आज के दिन ही 24 सितंबर 2014 को एक नया अध्याय लिखा था, जिसे आज 5 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके साथ ही भारत मंगल कक्षा में पहुंचने वाला एशिया का पहला देश और पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना था। आइए देखते हैं क्या है मिशन मंगलयान। तो भारत के मंगल अभियान की पहली औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 2012 में स्वतंत्रता दिवस पर की थी। इसके बाद इसरो ने 15 महीने के रिकॉर्ड समय में एक सैटेलाइट विकसित किया, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम दिया गया। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने भारत के मंगलयान मिशन को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया है। इस सफलता के लिए नेशनल स्पेस सोसाइटी ने इस मिशन के अध्यक्ष मिल स्वामी अन्ना दुराई और अन्य सदस्यों को 2015 के स्पेस पायोनियर अवार्ड से सम्मानित किया था। आइए जानते हैं मिशन मंगलयान की मुख्य विशेषता क्या है। तो भारत के पहले मंगल मिशन अभियान पर 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसे श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन केंद्र से PSLV-C25 के द्वारा परीक्षित किया गया था। PSLV-C25 के द्वारा चंद्रयान 1G-12 को लॉन्च किया गया था। मंगलयान का कुल वजन 1377 किलो है। मंगलयान पर विभिन्न उद्देश्य के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाए गए थे। तो ये देखते हैं कि ये उपकरण कौन कौन से थे। पहला है मीथेन सेंसर। यह मंगल ग्रह पर मीथेन की मात्रा को मापने का, मीथेन गैस की मौजूदगी वहां पर जीवन की संभावना का अनुमान लगाने में सहायक होगी। दूसरा है ऊष्मीय अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर। यह मंगल ग्रह की सतह पर तापमान तथा उत्सर्जनकर्ता की माप करेगा। इसके बाद है मंगल कलर कैमरा। यह उपकरण दृश्य स्पेक्ट्रम में चित्र खींचेगा, जिससे अन्य उपकरण के काम करने के लिए संदर्भ प्राप्त होगा। चौथा है ली मैने अल्फा फोटोमीटर। यह वातावरण में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की मात्रा को मापने का काम करेगा। इसके बाद है अंतिम मंगल वह मंडलीय उदासीन संरचना विश्लेषक। यह एक चतुर ध्रुवीय द्रव्यमान विश्लेषक है, जो बाहरी मंडल में अवशोषित कण संरचना का विश्लेषण करेगा। आइए देखते हैं मंगल ग्रह के रोचक तथ्य। तो मंगल ग्रह भी पृथ्वी के समान 23 अंश पर झुका हुआ है, इस कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन पाया जाता है। मंगल का वायुमंडल इतना कमजोर है कि अंतरिक्ष से रेडियो एक्टिव किरणों की बमबारी होती रहती है। मंगल की सतह पर ऑक्साइड या लोहे की मात्रा अधिक पाई जाने पर यह लाल ग्रह भी कहलाता है। इसकी सतह पर स्थित पर्वत निकस ओलंपिया है, जो संभवतः हिमालय से 3 गुना बड़ा और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं फोबस और डिमोस, जो आकार में छोटे हैं तथा मंगल ग्रह को युद्ध के रोमन देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा मंगलयान। अगली वीडियो में हम एक और नए मुद्दे के सामने आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।